ये कहानी आकाश की है जो थकान, पेट दर्द और पाचक समस्याओं से परेशान है। उनका जीवन तनाव और चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ है, जिससे उनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में समस्याएं हैं। आइए देखते हैं कि कैसे योगा अवकाश की जिंदगी को चेंज करता है। अवकाश अपने बिस्तर से उठते हैं, कहराते हैं, पीठ पकड़ते हैं, कमर में हर जगह दर्द, कमरे में चीजें फैली है। अवकाश काम के लिए तैयार होते हैं, चेहरे पे तनाव है। वो अपनी पीठ को पकड़ के कुर्सी पर बैठता है और थकान के मारे वहीं वापस सो जाता है। उनकी पत्नी सुषमा किचन से नाश्ता लेकर आती है। अवकाश अपने ऑफिस में है, उनके डेस्क पर फाइलों का ढेर लगा है। अवकाश फाइलों में ऐसे खो जाते हैं वो वापस सो जाते हैं। उनके बॉस मिस्टर शर्मा गुस्से में उनके कैबिन में आते हैं। मिस्टर अवकाश, अवकाश और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं।
वो थोड़ा बहुत काम जैसे तैसे करते हैं और फिर अपने घर को निकल जाते हैं। अवकाश घर वापस आते हैं थके हुए और चिड़चिड़े। उनका बेटा हृदय होमवर्क के बारे में पूछता है। सुषमा जानती थी कि अवकाश का गुस्सा और तनाव घर के माहौल को खराब कर रहा। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उनके पति के इस हालत से कैसे बाहर निकाला जाए, लेकिन अवकाश की चिड़चिड़ाहट और गुस्से ने स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया। फिर वो उसे एक सुलह देती है। अवकाश अपने पुराने दोस्त डॉक्टर राकेश से मिलते हैं। तुम कब आए? बस कैसे हो तुम? मैं अच्छी हूँ, ठीक नहीं लग रहे हो। बस क्या बताओ, बैठो ना। बैठो क्या हाल हुआ तुम्हारा? पूछो मत, मतलब आजकल काम में मन नहीं लगता है और बहुत थकान रहती है। पहले जैसे एनर्जी थी, कॉलेज टाइम में जैसे फुर्ती थी, अब बिल्कुल नहीं है। नींद बहुत आती है, परेशान करके रखा है सच में। और आजकल एसिडिटी भी बहुत रहने लगी है। तुम ऐसा करो, कुछ एंटीबायोटिक और कुछ पेन किलर्स मुझे दे दो, और हाँ कुछ सप्लीमेंट्स भी दो कि है ना मुझे थोड़ी एनर्जी मिले। कुछ ड्रिंक्स और कुछ दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा है, कुछ दे दो ना। तो एक बात बताओ, तुम्हें कैल्शियम विटामिन लिए कितने दिन हो गए? नहीं वो तो मैंने बहुत साल हो गए, मैं कभी लेता ही नहीं हूँ। हाँ तो तुम्हारे कैल्शियम विटामिन की कमी हुई है और मैं थोड़े सप्लीमेंट्स भी लिख के दे देती हूँ। डॉक्टर राजेश ने अवकाश के बदलाव को नोट किया। डॉक्टर राजेश ने अवकाश की हालत देखकर महसूस किया कि उनका पुराना दोस्त अब वह पुराना खुश मिजाज अवकाश नहीं रहा। ये मेरी दवाई तो तुम ले ही रहे हो, पर साथ में तुम्हें ना योगा करना पड़ेगा। हाँ। योगा के लिए टाइम कहाँ है? तो पता ही है ऑफिस में इतना काम रहता है, फिर घर में, और वो बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो योगा के लिए टाइम मैनेज करना मेरे मुश्किल है। बस ये ले लूंगा ना, मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो। सुनो, जब 24 घंटा तुम काम कर सकते हो तो एक घंटा तुम योगा के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? मेरा लाइफ बहुत बिजी है, मेरे पास सच में टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम होता है वो योगा के लिए जाते हैं, मेरे पास सच में, तुम जानते नहीं हो, मेरा बहुत बिजी हूँ। बहुत बिजी हो, इसी शेड्यूल में तुम्हें थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा। खाली पैसे कमाने से घर नहीं चलेगा। जब तक शरीर नहीं रहेगा तो तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा? अपने ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें योगा करना पड़ेगा। ठीक है, बात तो तुम सही बोल रहे हो। कोई है क्या तुम्हारे घर में? हाँ है ना, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर सुरेश, योगा ट्रेनर है, बहुत अच्छे। तुम उनके पास जाओ और वो तुम्हें ना अच्छे योगा और सब सिखाएंगे, उससे तुम्हारी तबीयत और ठीक हो जाएगी। ये मैं तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ, उनका कार्ड है मेरे पास में, और साथ में ये तुम दवाई भी लेते रहना। डॉक्टर राकेश को अवकाश की थकान और निराशा का हल अच्छे से पता था। आज ही चले जाना वहाँ पर। अवकाश
स्वास्थ्यम योगा सेंटर में जाते हैं, वहाँ इंस्ट्रक्टर मिस्टर सुरेश से मिलते हैं, अवकाश अपनी समस्याएं मिस्टर सुरेश को बताते हैं। यस, बोलिए जी। ओह ओके, आपका नाम? ओके, मैं भी सर को बोलती हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, अभी बोलती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी सर, आपसे मिलने के लिए कोई अवकाश आए हैं, आपके जो दोस्त है ना डॉक्टर राजेश, उन्होंने भेजा है। नमस्ते, मुझे डॉक्टर राजेश ने भेजा है। हाँ तो सर, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे नींद बहुत आती है और ये पीठ का दर्द इतना परेशान करता है, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है और आजकल अगर काम करने का मन नहीं करता है, शरीर में बहुत वीकनेस रहती है, बहुत थकान महसूस करता हूँ। ओह मैं समझ गया, आपके कमर में दर्द है, टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है। अच्छा 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 अच्छा, देखिए ये पीठ का दर्द के लिए इलाज सिर्फ योगा में ही है, मेडिसिन से सिर्फ आपका पेन किलर होगा, उसके साइड में साइड इफेक्ट होगा, योगा करेंगे पीठ का दर्द जन्म भर के लिए खत्म हो जाएगा, गारंटी है 15 दिन में आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, आपको नींद ज़्यादा आती है? काम करते करते थकान हो जाती है, कहीं पर भी नींद सो जाता हूँ, रात को नींद नहीं आती है लेकिन कभी भी सो जाता हूँ। ओ तनाव में रहते हैं इसी वजह से आपकी सब समस्या है, तनाव के लिए भी योगा में ही इसका इलाज है, तो हमारे मैडम है या वो कुछ असिस्ट करें, मैं इनको कुछ आसन बताता हूँ, तब तक आप कब से करेंगे? सर मैं आज से शुरू कर दूँ थोड़ा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपको आज में ही बहुत कुछ रिलीफ मिल जाएगा। आप इनको एक काम कीजिए, इनके पेट में दर्द है और इनको भुजंगासन सर्वासन दिखा दीजिए और डिप्रेशन टेंशन के लिए थोड़ा सा इनको अनुलोम विलोम भ्रामरी और कपाल भाती थोड़ा बता दीजिए, जोर से नहीं करें, आस्ते आस्ते करें, आप थोड़ा सा इनको बताइए और उनको डेली क्लास में आने दीजिए। चलिए मिस्टर अवकाश मेरे साथ आइए, मैट लीजिए, जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूँ वैसे कीजिए। सबसे पहले हम लोग भुजंगासन करेंगे, आपकी पीठ की प्रॉब्लम है ना, अभी ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको रेगुलर करना पड़ेगा, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। हाँ आप पीठ और सीने के बल लेट जाए उल्टे जी, लेट के ही होगा, नहीं नहीं उल्टे पेट के बल जी, वेरी गुड। अब पांव की स्थिति एकदम सीधी, अंगूठे दोनों जमीन पर, पांव इकट्ठे दोनों आपस में इस तरह से, हाँ हाथ फंदों के पास, ओके, अब ठुड्डी जमीन पर, धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं, जितना आपको सहन होता है अपनी क्षमता अनुसार, वेरी गुड, नॉर्मल ब्रीथिंग, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को वापस जमीन पर, वेरी गुड, कुछ असर हो रहा है ना कमर पे? अब हम लोग लेवल टू करेंगे, इसमें हाथों की स्थिति थोड़ी सी कंधों से दूर रखें और वही अगेन श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा करेंगे इस बार, और थोड़ा उठाएंगे, थोड़ा सा और होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीथिंग, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ठुड्डी को जमीन पर, वेरी गुड। अब हम लोग सल्थासन करेंगे, इसके लिए वही पोजीशन लेकिन हाथों को जंघाओं के पास दबाएं, हथेलियां आसमान की ओर सीधी रहेगी। अब राइट पाँव को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, घुटना नहीं घुटना चाहिए, जितना सहन हो रहा है उतना, ठुड्डी को जमीन पर ही रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरा पाँव ठुड्डी जमीन पर,
उठना नहीं भूलना चाहिए, डाउन। अब दोनों पांव को एक साथ डाउन, वेरी गुड। आराम मिला ना आपको थोड़ा, रिलैक्स। अब धीरे धीरे बाई करवट लेके उठे। देखिए अंदर में मेडिटेशन चल रहा है, आप थोड़ा सा उसको ज्वाइन कर लीजिए। सर मेडिटेशन करवा लें, हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। तनाव के लिए, डिप्रेशन के लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे अभी हम लोग। दोनों हाथ आंखों के ऊपर, अंगूठा कान से बंद कीजिए, अंगूठा से कान बंद कीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए, नाक से भमरा जैसे साउंड निकालिए, हमिंग साउंड फ्रॉम योर माउथ। अवकाश योग की विभिन्न मुद्राएं करते हैं, शुरुआत में कठिनाई होती है लेकिन धीरे धीरे आराम का टाइम हो गया है। कल सुबह सुबह मैं आपको कपालभाति अनुलोम विलोम बताऊंगी इसी टाइम पे, ओके। कुछ हफ्तों बाद अवकाश की दिनचर्या में बदलाव दिखता है, उसकी रूटीन सुधर जाती है, वे सुबह जल्दी उठते हैं, ताजगी महसूस करते हैं और उनकी पीठ दर्द और पाचन समस्याएं सभी जा चुकी हैं। अवकाश की न केवल शारीरिक स्वास्थ्य है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार आया है, पर अब वे अधिक शांत, स्थिर और खुश मिजाज रहते हैं। उनके इस नए रूप से उनके रिश्तों पर भी असर पड़ा है, वे अब लोगों से और पॉजिटिव रूप में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। वे अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं और सब खुश हैं। ठीक है अवकाश, तुम तो आज बहुत खुश लग रहे हो, और तुम्हें देख के लग रहा है ऐसे तुम्हें नया जीवन अवतार मिला है। अच्छा योगा का, अच्छा तुम डॉक्टर के पास गए थे क्या? अवकाश ऑफिस जाते हैं, वे अपने क्या काम में ध्यान देते हुए दिखाई देते हैं। उनके बॉस मिस्टर शर्मा उनके कैबिन में आते हैं। अवकाश मिस्टर शर्मा का स्वागत एक मनमोहक मुस्कान के साथ करते हैं। कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका टूर? मेरा तो बहुत बढ़िया रहा, तुम्हारा? क्या बात है? बस ये सब आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप बस ये चेक कीजिए। क्या बात है, इतनी जल्दी तुमने मुझे बड़े लाखों का फायदा करवा दिया, अब तो मन
ख्याल हूँ। इसने मुझे इतना बड़ा फायदा कराया है, आज मेरा मन है कि आज शाम को मैं होटल में मेरी तरफ से तुम सबको पार्टी देता हूँ। पता है सर। अच्छा, तुमको पार्टी देने से क्या होगा? वहाँ पे तो छोला, नान, कुलचा, पास्ता होगा, पर तुम तो नहीं खा पाओगे। नहीं नहीं, अब मैं सब खा सकता हूँ, अब मेरी एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कैसे हुआ? योगा के कारण। ये योगा थोड़ा बहुत तो मैं घर में करता हूँ, पर तुम कहाँ करते हो, थोड़ा खुद से बताओ मुझे। दरअसल मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड है ना राजेश, उन्होंने मुझे स्वास्थ्यम सेंटर के बारे में बताया था, तो बस वहीं से आजकल मैं योगा कर रहा हूँ। और आप मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, और आज जो आप मुझे बदलाव दिख रहे हैं वो सब योगा के कारण ही है। स्वास्थ्यम सेंटर जिसे मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, अरे यार वो मुझे कितनी बार बुलाते हैं पर होता नहीं है। चलिए ना, देर किस बात की, जब जागे तभी सवेरा, तो कल से ही चलते हैं स्वास्थ्यम। मैं तो रोज सुबह जाता हूँ, कल सुबह फिर आ जाइए आप सुबह सुबह मेरे घर के आगे ही, वहीं से चलते हैं साथ में। हाँ हाँ, मैंने अभी नई BMW ली है, मैं लेके आता हूँ। BMW नहीं, टहलते हुए चलेंगे, वॉकिंग करते हुए और स्वास्थ्य में, ठीक है? हाँ, ये आइडिया अच्छा है, इसे हमें शुद्ध हवा भी मिलेगी और आजकल मेरा भी थोड़ा वजन बढ़ रहा है तो मुझे बड़ा आराम मिलेगा। टाइम से आ जाइएगा, मैं ले। अवकाश अपने घर में आते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, वह हृदय को होमवर्क में भी हेल्प करते हैं और सुषमा के साथ हंसी मजाक करते हैं। कल पता है मेरे जो बॉस हैं वो भी चलेंगे, तो हम सब मिलके योगा सेंटर चलेंगे, ठीक है ना? हम सब चलेंगे, रिले को भी साथ लेके चलेंगे। अवकाश अपने परिवार को गले लगाते हैं और सब खुशी खुशी अगले सुबह उठकर स्वास्थ्यम योगा सेंटर जाते हैं। उनके बॉस भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और सब सुबह सुबह योगा से अपने जीवन में संतुलन लाते हैं। अरे वाह मिस्टर अवकाश, इतने खिले खिले फैमिली, ये कौन है? ये है मेरे बॉस, और आज से मेरे बॉस और मेरी वाइफ ये दोनों भी यहीं पे योगा करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं सर को बता के आती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, सर वो अवकाश है, बहुत खिले खिले और खुश नजर आ रहे हैं। कहाँ बुलाइए उनको, दीजिए अवकाश जी, आइए आइए, कैसे हो? बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते सर, हेलो हेलो, ग्रेट 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 ग्रेट। यार तुमने कोई इनको मेडिसिन दिया होगा जरूर। पर मेडिसिन का मेडिसिन के साथ में आपके योगा का चमत्कार है। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक मिनट सर, मुझे आपसे कुछ काम था। ये हमारे ऑफिस के भी सारे स्टाफ और एम्प्लॉइज बड़े सुस्त से रहते हैं, अभी योगा डे भी आ रहा है, तो आपके पास थोड़ा टाइम होगा हमारे ऑफिस में आके योगा सिखाने के लिए? ये हम लोग का स्वास्थ्यम का आइडिया यही है, हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, लोग निरोग रहे, हम लोग का बेसिक आइडिया यही है। योगा डे में क्यों, हम तो ये कहेंगे आप लोग रोज करेंगे योग। मैं तो सबसे ये निवेदन करता हूँ कि हर एक रोज करो योग, करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग।